नमस्कार, मैं दिलबाग सिंह और आज हम बात करेंगे बाल विवाह क्या है। तो इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट वरेंद्र सिंह भादू जी। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बाल विवाह क्या है। दिलबाग जी, बाल विवाह भारत में कानूनन प्रतिबंधित है, यानी पूरे भारत के अंदर कहीं बाल विवाह नहीं किया जा सकता। और इसके लिए एक वकायदा, एक भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया हुआ है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। और इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह वो विवाह माना जाता है जिसमें विवाह के किसी एक पक्ष की आयु जो है, विवाह का कोई एक पक्ष बालक हो। और इस अधिनियम के अनुसार बालक से तात्पर्य यह है कि जब लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। जी जी। और उसको बाल विवाह कहा जा सकता है। जैसे अभी हमने जाना कि बाल विवाह लड़के की आयु कम 21 वर्ष और 18 वर्ष। और अब आप हमें ये बताइए कि क्या इसको बाल विवाह करवाना और इसके इसमें सहयोग करना भी कोई प्रावधान है इसके लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। बाल विवाह में सहयोग करना या इसको करवाना, ये भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार अपराध है। यदि कोई बाल विवाह को संपन्न करवाता है, बाल विवाह में किसी प्रकार का सहयोग करवाता है, उसका आयोजन करवाता है, बाल विवाह के लिए प्रोत्साहित करता है, बाल विवाह के लिए उकसाता है, तो ये अपराध है। जी जी जी। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इसमें लोग शामिल होते हैं जैसे बाराती बन के, तो क्या इसमें जो शामिल होना भी कोई अपराध कैटेगरी में आता है? हाँ, बाल विवाह के अंदर शामिल भी नहीं हुआ जा सकता। यदि कहीं पे बाल विवाह हो रहा है और उस समय बाल विवाह के समय कोई वहाँ उपस्थित है या बाल विवाह में शामिल है किसी भी रूप में, तो यह भी कानूनन अपराध है। जी जी, धन्यवाद सर। जैसे आज हमने बहुत अच्छी जानकारी ली बाल विवाह के बारे में। और आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।